नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MTNL स्टॉक के बारे में। जब से BSNL का कमबैक हुआ है और BSNL की न्यूज़ काफ़ी चर्चा में आई है, तब से MTNL के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन कुछ दिनों से इस कंपनी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें स्टॉक की तो पिछले एक वीक में 11% की गिरावट देखने को मिली है और सिर्फ आज के दिन इस स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली, जो कि अगर इसकी आंकड़ों की बात की जाए तो एक बार अगर आप इस स्टॉक के बारे में ओवरव्यू देखेंगे, अगर आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ सेलिंग हो रही है। सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बाइंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको इसे बाय करने से रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 4 सालों में इस स्टॉक ने काफ़ी लॉस किए हैं। ये आप देख सकते हैं, मार्च 2020 में इसने 3695 CR का लॉस किया है, मार्च 2021 में इसने 2461 CR का लॉस किया है, मार्च 2022 में इसने 2602 यानी 2602 करोड़ का लॉस किया है, मार्च 2023 में इसने 2910 करोड़ का लॉस किया है, मार्च 2024 में 2302 करोड़ का लॉस किया है। तो आप देख सकते हैं हर साल इसका लॉस बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। शॉर्ट टर्म में काफ़ी पॉजिटिव है, आप इसे बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, अगर आप इसे थोड़े टाइम के लिए बाय करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें ऑपरेटर की नज़र काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये न्यूज़ के बिहाफ पे ऊपर नीचे चलती रहती है। बट पर्टिकुलरली अगर आप इसे देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो इसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मार्केट कैप की बात की जाए तो 4358 CR का इसका मार्केट कैप है, यानी 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। टेक्निकली बुलिश है ये। अगर हम फंडामेंटल इसका देखें तो आपको पता, पी रेशियो इसका नेगेटिव है, -1 है। बुक वैल्यू इसका वो भी नेगेटिव है, ROC भी इसका नेगेटिव 18% है, ROE इसका वो भी नेगेटिव है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 56% की होल्डिंग है, FIs के पास 0.38% की, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 13.47% की होल्डिंग है, DIs के पास 0.17% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स के पास 29.73% की होल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्टॉक में। ये टेलीकॉम सेक्टर का ये स्टॉक है, फिक्स लाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ये अभी फ़िलहाल 3G सेगमेंट में काम करता है। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक इन फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। फ़िलहाल मेरी तरफ से इस स्टॉक को बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आप इसे नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं तो वो आप अपनी एनालाइज रिसर्च के बिहाफ पे ही करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।